ट्रिग्नोमेट्री अंडर ट्रिग्नोमेट्री आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं एंड उस आइडेंटिटीज को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक रेशो क्या होते हैं। अगर बेसिक रेशो के बारे में आपको जानकारी नहीं तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि बेसिक रेशो क्या होते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक रेशो रिकॉल करेंगे। सो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90 डिग्री है एंड यहाँ पर एंगल सी पे थीटा फॉर्म हो रहा है। सो जो थीटा का अपोजिट होता है उसको हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर थीटा का अपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी अपोजिट साइड होगा एंड बी सी एडजेसेंट साइड होगा। 90 के अपोजिट में ए सी है, तो ए सी को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। सो फर्स्ट जो होता है हमारा साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड ए बी है एंड हाइपोटेन्यूज ए सी है। सेकंड होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड बी सी है एंड हाइपोटेन्यूज ए सी है। थर्ड टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे अपोजिट साइड ए बी है एंड एडजेसेंट साइड बी सी है। कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड बी सी है एंड अपोजिट साइड ए बी है। सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ए सी है एंड एडजेसेंट साइड बी सी है। लास्ट वन ही कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज ए सी है एंड अपोजिट साइड ए बी है। सो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रेशियो होते हैं। इन्हीं बेसिक रेशियो के बेस पे हम लोग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। सो आइडेंटिटीज जो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटीज प्रूफ करने हैं, टोटल 3 आइडेंटिटीज होती है। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड थर्ड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग वन बाय वन इनका स्टडी करेंगे। प्रूफ फर्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल एबीसी कंसीडर किया है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी बी पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। मीन्स व्हाट? ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री प्रूफ करने के लिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यूज करने वाले। सो यहाँ पे एंगल सी पे थीटा बन रहा है जो कि हम लोग बेसिक रेशियो के फॉर्म में यूज करने वाले हैं। सो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मीन्स मीनिंग सेम है। सो पाइथागोरस आइडेंटिटीज प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए सी स्क्वायर वी गेट। अभी यहाँ पे एल एच एस में क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर एंड आर एच एस में क्या है? ए सी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बोथ द साइड में ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो इसको हम लोग ए सी से डिवाइड कर रहे हैं विच इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। सो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर मीन्स वॉट? प्लस है तो ये दो पार्ट में सेपरेट होगा। फर्स्ट इज ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बिकॉज ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर विल कैंसल आउट, तो उसका वैल्यू 1 होगा। सो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर, सो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे एंगल हम लोगों ने थीटा लिया है, तो यहाँ पे क्या ए बी अपॉन ए सी मीन्स वॉट? थीटा का अपोजिट ए बी है एंड ए सी हाइपोटेन्यूज है। सो ये हमारा क्या होता है? बेसिक रेशियो में साइन थीटा होता है। सो उसके प्लेस में साइन थीटा आ जाएगा। सो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस अभी सेकेंड इसके बी सी अपॉन ए सी। सो बी सी यहाँ पे एडजेसेंट साइड है एंड ए सी हाइपोटेन्यूज। सो ये हमारा कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। सो हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं प्लस सिमिलरली कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1। सो इसका रीजन क्या आएगा? साइन थीटा का होल स्क्वायर इज ऑल्सो रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटीज प्रूफ होता है। सो जो फर्स्ट आइडेंटिटीज हमने प्रूफ किया उसको मैं इक्वेशन दे दूंगा बाय, बिकॉज इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग अदर टू आइडेंटिटीज को
फाइंड आउट करने वाले हैं। सो प्रूफ ऑफ द सेकंड आइडेंटिटीज, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, इसका प्रूफ जस्ट हमने देखा है जो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन से कंसिडर कर रहे हैं। इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अदर टू आइडेंटिटीज को प्रूफ करने वाले हैं। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा वी गेट, सो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। सो हम लोग ने LHS में डिवाइड किया तो मीन्स वॉट RHS में भी डिवाइड करेंगे, सो अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे प्लस है, सो साइन स्क्वायर थीटा को के साथ दोनों कंपोनेंट को वेरी करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट हो जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन यूज किए हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, उसके बेस पे हम लोग ने ये स्टेप किया। सो यहाँ पे हम लोग का सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ होता है, थर्ड वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन से ले रहे हैं जो कि मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ किया है। सो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा वी गेट, प्रीवियस हम लोगों ने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था तो सेकेंड आइडेंटिटीज मिली, थर्ड आइडेंटिटीज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। सो बोथ द साइड हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने वाले हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो अभी लेक्चर में हम लोग को क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में बोथ विल बी कैंसिल आउट सो वी विल गेट वन, एंड वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सो हम लोग क्या करें, वन को पहले लिखेंगे आफ्टर दैट टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्री के थ्री बेसिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं उनके प्रूफ देखे हैं। इसके फर्दर वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पे सम देखने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।